बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। लगातार एनडीए में जो है टूट की जो है संभावना जो है राजनीतिक गलियारों में जो है वो चल रही है। लगातार कई लोग जो है कह रहे हैं राजनीतिक सियासी में गलियारों में जो कि एनडीए में जो है अब टूट होने वाली है, और एक कहा जा रहा है कि फिर से एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पलटी मारेंगे और वो महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, और आने वाला जो 48 घंटा है वो बिहार की राजनीति के लिए में कुछ बड़ा होने वाला है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है और कहा जा रहा है कि आने वाला 48 घंटा जो है बिहार की राजनीति में जो है कुछ बड़ा होने वाला है, क्या लग रहा है? देखिए, राजनीतिक हलचल निश्चित तौर पर तेज तो है ही है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा कि जनता दल यूनाइटेड जो एनडीए का पार्ट एंड पार्सल है, घटक दल है, उसके में आरसीपी सिंह जो कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनको 100 काज नोटिस किया गया, और वह भी किसके कहने पर, दो पार्टी के कार्यकर्ता जो उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र माने कहें या माने नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से थे, उनके कहने पर, और वो 2 कट्ठा जमीन जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके लिए 48 कट्ठा जमीन की बात आ रही है कि आप कैसे वो खरीदा गया, उस पर वो उनको 100 काज किया गया, तो उससे वो बहुत आहत थे। उसके बाद से उसी के रिएक्शन में आरसीपी सिंह ने 2 दिन पहले ही जो है सो प्राथमिक सदस्यता से पार्टी का इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद जो आरसीपी सिंह ने कहा उसी को लेकर के घमासान मचा हुआ है, और चिराग मॉडल, उसके बाद से चिराग मॉडल बताया गया, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो हैं उन्होंने बताया कि चिराग मॉडल नहीं चलेगा, माने पार्टी को कमजोर करने की साजिश, ये षड्यंत्र खड्यंत्र हुआ नीतीश कुमार को कमजोर करने, तो यह सब तमाम तरह की बातें हुई, और उसके उस बीच में ये हुआ कि घटक दल जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माने संरक्षक कह ले जीतन राम मांझी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी ने बुलाया है मंगलवार को, मंगलवार को ही जो है सो जदयू ने भी बुलाया है अपने विधायकों की बैठक, कांग्रेस ने भी बुलाया है, वाम दलों ने भी बुलाया है, तो यह 48 घंटा अभी हम जो कह रहे हैं आपको 48 घंटा अहम होने वाला है। यह राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो लोगों की नज़रों में, लेकिन ऐसी बात कुछ नहीं है। अब देखिए, इसको हम इसके थोड़ा सा इतर आते हैं तो क्या जो है सो बात समझ में आ रही है, लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो है सो जनता दल यूनाइटेड हाथ मिलाने जा रही है। अभी जो है सो कुछ देर पहले, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं उससे मुश्किल से आधा घंटा पहले, जगतानंद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसी कोई दूर दूर तक बात नहीं है, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने कल बुलाया है बैठक और आज भी बैठक हो रही है, तो और नीतीश कुमार से साथ में जाने का, हाथ मिलाने की कहीं कोई बात नहीं हुई है, और इसके यह सब बात उन्होंने कहा है, तो यह अब क्रिस्टल क्लियर है कि कहीं से भी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल जो है सो आपस में मिल सकने की बात, साथ में आने की बात रही। बात इसके पहले आप आज ही डेवलपमेंट एक और छोटा सा हुआ है, वह यह हुआ है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने तमाम प्रवक्ताओं को अधिकृत माने बयान देने से मना कर दिया है, और उसके जगह पर नए जो है सो प्रवक्ता अब आएंगे जिसको अधिकृत रूप से वो पार्टी की ओर से बयान देंगे। प्रवक्ता का बयान पार्टी की ओर से ही होता है अधिकृत तौर पर, तो अब जो है सो कौन बयान दे सकता है आरजेडी की ओर से, स्वयं जगतानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, इन्हीं का 2 आदमियों का बयान अधिकृत माना जाएगा, और फिर 48 घंटे बाद में संभवतः वो अधिकृत किया जाएगा कौन कौन लोग प्रवक्ता होंगे जो कि बयान दे सकेंगे। तो यह इन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है बिहार की राजनीति में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बीच एक और डेवलपमेंट आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 4-5 बड़े नेता जो बिहार के चेहरे होते हैं, जैसे नित्यानंद राय, नितिन नवीन, शाहनवाज हुसैन, ये लोग दिल्ली गए हैं। तो दिल्ली गए हैं, देखिए दिल्ली जाने का मतलब यह कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि वह जो है सो भूचाल आने वाला है बिहार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, इसको वो पैचअप करने के लिए दिन, ऐसी बात भी नहीं हो सकती है। देखिए, हर संगठन, भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टमेटिक पार्टी है, उसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं हो सकता है। अगर यदि कोई ऐसी कोई बात बनती है आगे पीछे होती है तो वो उसको पैचअप कर लिया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार कोई पहली बार नहीं है एनडीए में, वो लंबे समय से नहीं, और एनडीए भी नीतीश कुमार को समझती है और नीतीश कुमार भी एनडीए को समझते हैं, और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात हम कहें
तो 2024 में लोकसभा और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कोई भी एनडीए कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेने जा रहा है कि बिहार में इस तरह का टूटो। थोड़ा बहुत अगर माने तल्खी तो हर पार्टी हर कोई भी परिवार में ही चार लोग रहते हैं तो वो टनटुन होते रहता है। टनटुन का यह कतई अर्थ निकाला जाना चाहिए कि जो है सो बाहर वो माने उसको फेंक दिया गया, बाहर निकल गया या चला जाएगा, नाराजगी है। यह सब कोई नाराजगी थोड़ी बहुत होती है कहीं कोई फैसला। अब देखिए जैसे आरसीपी सिंह को लेकर के ही जिस तरह से बात हुई कि आरसीपी सिंह को बगैर नीतीश कुमार के कहे ही वो केंद्र में मंत्री बन गए, यह हम नहीं कर रहे हैं। यह राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो यह जब बात हो रही है तो लेकिन ऐसी बात भी नहीं, आरसीपी सिंह ने उसका काउंटर भी किया कल देर रात कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम जो पार्टी का फिर जो बैठक हुआ था, हम जब केंद्र में मंत्री बनकर के आए थे तो हमको लोगों ने शाबाशी दिया, सब लोग धन्यवाद दिया। तो यह उस समय भी यह बात उठ सकता था कि भाई बगैर बताए हुए, जबकि नीतीश कुमार के बताए हुए आप मंत्री बन गए। लेकिन तमाम लोग ऐसे लोग जो आज उंगली उठा रहे हैं आरसीपी सिंह पर, वह लोग उनको धन्यवाद दिया था, यह स्वयं जो है सो आरसीपी सिंह कहे थे और यह सच्चाई भी है, उस समय सब लोगों ने देखा था, सारा मीडिया कवरेज भी हुआ था जब वो बन गए। तो यह ऐसी बात नहीं है, इसलिए हमको दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है कि बिहार में कोई उथल पुथल राजनीतिक रूप से होने वाला ऐसे में। लेकिन हाँ यह बात भी है कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल जरूर है, इसमें हर बात को आप कहीं भी आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, कब कहां क्या हो जाए यह भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बावजूद इसके बिहार में अभी सब कुछ एनडीए के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल है। सर लेकिन जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उन्होंने कहा था कि बिहार में भी एक बार फिर से जो है चिराग मॉडल जो है वो अपनाया जा रहा था, जेडीयू को फिर से कमजोर करने की नीति जो है वो अपनाई जा रही थी, तो उनका इशारा कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर तो नहीं था? नहीं, वो ठीक है बीजेपी की ओर था, निश्चित तौर पर उन्होंने नाम नहीं लिया है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनका इशारा था कि चिराग मॉडल बना करके। चिराग मॉडल क्या था भाई? चिराग मॉडल था कि 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से चिराग ने हर विधानसभा क्षेत्र में अपना कैंडिडेट उतारा था, तो उसके कारण जो है सो भारतीय जनता दल यूनाइटेड का साइज बहुत ही छोटा हो गया। जब साइज छोटा हो गया तो ऐसे में क्या हुआ, वो छोटे भाई की जो बड़े भाई की भूमिका से छोटे भाई की भूमिका में आ गई, यही ना हुआ। तो यह वो निश्चित तौर पर वह तो उनको जनता दल यूनाइटेड को यह कहीं ना कहीं यह कमी तो बहुत खल रही है कि भाई हम छोटे भाई की भूमिका में बिहार विधानसभा में जो अंग जो गणित है उसमें वो बड़े भाई की भूमिका में आज वो छोटे। तो यह चिराग के कारण हुआ, चिराग तो पार्ट एंड पार्सल भी नहीं थे एनडीए के, उनको तो एनडीए से निकाल दिया गया था। तो वह लेकिन वह एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि चिराग मॉडल नहीं चलेगा एनडीए के अंदर में। तो वह किसको कह रहे थे चिराग मॉडल, कहने का मतलब आरसीपी सिंह को कह रहे थे कि कमजोर कमजोर है। तो आरसीपी सिंह ने भी कहा कि भाई जदयू तो डूबता हुआ नाव है, उस पर कौन सवार होगा, जदयू में तो सिर्फ गणेश परिक्रमा रह गई है बात। तो यह सब तो अंदर खाने की बात है, दो बड़े नेताओं के आपस में है, उनको वो जदयू से निकल भी गए हैं, निष्कासित भी माने उनको कर दिया गया है, या वो अपने से वो इस्तीफा भी प्राथमिक सत्ता से इस्तीफा भी कर, तो यह सब अलग बात है। तो लेकिन अभी हमको दूर दूर तक तो दिखाई नहीं पड़ता है कि एनडीए में बिहार एनडीए में कुछ होने वाला है। जेडीयू के अंदर जो है कहीं ना कहीं एक डर है कि आरसीपी सिंह जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, संगठन में भी उनका उनकी पकड़ थी, और जब विधानसभा का टिकट बंटवारा हुआ था तो उस दौरान भी उनके कई सारे जो कैंडिडेट थे वो जीत के आए थे। ऐसे में जो है एक डर है कि कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह के साथ जो है 20-25 विधायक जो हैं वो जा सकते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह जो है नया पार्टी बना सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जेडीयू में भी टूट होगी, और आरसीपी सिंह जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ एकनाथ शिंदे ने किया शिवसेना के साथ, क्या बिहार में भी एकनाथ शिंदे जो है आरसीपी सिंह साबित होंगे? देखिए बिहार और महाराष्ट्र दोनों की राजनीति टोटल अलग है, उसको नहीं आप बिहार को आप जो सो महाराष्ट्र से जोड़ करके कृपया न देखें, क्योंकि यहाँ पर और आरसीपी सिंह ने कल क्या कहा है कि मैं रहूंगा और मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाला आदमी हूँ, मैं इस तरह संगठन और जो हमारा जो मैं मानहानि मैंने जो हमारे पर उंगली गलत तरीके से उठाया गया उसके लिए हम जो है सो न्यायालय के शरण में जाएंगे, यह सब बात उन्होंने कहा है। लेकिन यह भी नहीं कहा है कि मैं जो सो उनके लिए कुछ करने जा रहा हूँ। वो ठीक है, वो अभी संगठन बनाने की बात दूर दूर तक नहीं है, अभी वो कह रहे हैं कि मैं इनको बताऊँगा कि मेरी वक़्त है, मेरा क्या औकात है, तो वो बताएंगे। वो ऐसा नहीं है कि आरसीपी सिंह हो सकता है 2024 2025 के
इसमें हो, 2024-2025 में हम जिस तरह से चिराग ने खेल खेला था नीतीश कुमार के लिए, वह भी साबित हो सकते हैं उस तरह से, क्योंकि वह संगठन, वो देखिए राष्ट्रीय महासचिव संगठन भी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, इसलिए वो हर नब्ज जानते हैं कमजोर कड़ी कहाँ पर है, और वो संगठन के को के विस्तार के लिए वो बिहार के एक एक जिला, एक एक बूथ, एक एक प्रखंड तक वो गए हैं आरसीपी सिंह। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाला समय में आरसीपी सिंह कोई बड़ा खेल करेंगे, खेल इन द सेंस कि जनता दल यूनाइटेड को वो दिखाएंगे कि आरसीपी सिंह क्या चीज है। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां जो है, जेडीयू ने अपने सभी सदो विधायकों की बैठक बुलाई है, कांग्रेस ने बुलाई है, लेफ्ट पार्टियां भी कर रही है, और ऐसे में जो है अब बीजेपी के बड़े नेता जो है वो दिल्ली जा चुके हैं अपने केंद्रीय आला कमान से मिलने के लिए, तो क्या लग रहा है बिहार में जो आने वाला जो है 24 से 48 घंटा जो है उसमें जो है सत्ता में परिवर्तन होगा, नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से जो है वो महागठबंधन में जाएंगे और तेजस्वी यादव क्या उप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या लग रहा है इस बार? देखिए हम एक बात आपको कह देते हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, कब कल को क्या हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं आपसे बैठ करके, ऐसा इससे कुछ देर पहले ही जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद को, उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से उन्होंने डिनाइल दिया है कि नहीं, हम नीतीश कुमार से कोई बात नहीं हुई है हमारी पार्टी की, हम लोग तेजस्वी अधिकृत हैं और मैं अधिकृत हूँ, मैंने जगदानंद सिंह स्वयं अधिकृत हैं बयान देने के लिए, और कहीं कोई इस तरह का बात नहीं है। तो और हम लोग संगठन की मजबूती के लिए विधायकों की बैठक बुलाए हैं, न कि हम लोग और आगे आने वाले चुनाव को लेकर के, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, वही तो हम आपको कहे कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, लेकिन ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है कि अभी कुछ हो जाए। हाँ, लेकिन 48 घंटा निश्चित रूप से पॉलिटिकल जो वाले जो राजनीति पर पैनी नज़र रखते हैं उनके लिए निश्चित तौर पर 48 घंटा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब जगह आप देखिएगा सारे दल के लोग अपने अपने विधायकों की बैठक कर रहे हैं, तो यह निश्चित तौर पर यह कुछ न कुछ तो संकेत जरूर देता है। लेकिन जिसके साथ में नीतीश कुमार के जाने की बात हो रही है, जदयू के साथ साठगांठ की बात हो रही है, राष्ट्रीय जनता दल, तो वह तो स्पष्ट रूप से डिनाइल दे चुका है। और देखिए पहले भी आप देखिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल जो है जो सिवाय तेजस्वी प्रसाद यादव जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्हीं को वह मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। इसमें इसको एकदम स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। और नीतीश कुमार, तो यह सवाल उठता है क्या नीतीश कुमार तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए मुख्यमंत्री छोड़ देंगे यदि वो गठबंधन करते हैं आरजेडी के साथ? तो यह बात भी सवाल है। तो यह भी नहीं सवाल दिखाई नहीं पड़ता है दूर दूर तक, तो फिर तो सब बात ही नहीं हो सकेगी, बात नहीं आगे बढ़ेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिस तरह से हाल फिलहाल में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है वो बॉडी लैंग्वेज भी है काफ़ी इधर कुछ दिनों से बदल गया, जैसे कि राजनीति में ये भी कहा जा रहा था कि वो खुद चाह रहे थे कि उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार जो है वो NDA खासकर बीजेपी घोषित करे, और उस समय भी बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार नहीं बनाया, और उसके बाद उपराष्ट्रपति को लेकर भी जो है एक कहा जा रहा था कि वो खुद बनना चाह रहे थे, लेकिन बाद में हालांकि जब उम्मीदवार की घोषणा हुई तो उन्होंने खुल के मीडिया के सामने ये भी कहा कि अब जो है वो नहीं बनना चाहते हैं और वो बिहार में रहना चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और बिहार के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि वो बनना चाह रहे थे और लेकिन बीजेपी ने उन्हें नहीं बनाया, और उसके बाद वो इसकी नाराज़गी जो है हाल फिलहाल में जब बीजेपी के नेताओं से उनकी दूरियाँ जो है बढ़ती ही जा रही है, उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जब विदाई समारोह था तो उस दौरान भी वो दिल्ली नहीं गए थे, और उसके बाद हर घर तिरंगा को लेकर भी जब अमित शाह ने NDA के तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी तो उस दौरान भी वो वहाँ दिल्ली नहीं गए, और अब जो है नीति आयोग की बैठक में वो नहीं गए, और उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जो बीजेपी के हैं उनको उन्होंने भेज दिया। तो क्या लग रहा है कि वो एक दूरी जो है बीजेपी नेताओं के साथ जो है वो बनाना चाह रहे हैं? देखिए इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि अभी पिछले दिनों बिहार में भाजपा के 7 मोर्चों की, राष्ट्रीय मोर्चे की पहली बार बैठक हुई थी, ठीक है, उसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी भी आए थे, तो वह उस समय भी नीतीश कुमार उस समय कोरोना पॉजिटिव थे, तो वो होम क्वारंटीन में वह थे, जब होम क्वारंटीन में नीतीश कुमार थे तो वो मिलने मिलाने की बात नहीं थी। अब जो है सो जब होम क्वारंटीन से बाहर निकले हैं तो वो नीति आयोग की बैठक दिल्ली में होनी थी, तो एक दिन पहले जब नीति आयोग की बैठक होनी थी तो उसमें वह निश्चित तौर पर जो आदमी व्यक्ति होम क्वारंटीन से निकला हो फिर उतना दूर लंबे फ्लाइट में जाए, इस बात को हम समझने के लिए कह रहे हैं, यह नहीं कि हम उनका पक्ष रख रहे हैं, हम तो पक्ष रखने वाले भी नहीं हैं, लेकिन
तो ऐसे में आम जो आदमी कोरोना हो जाता है तो निश्चित तौर पर थोड़ी कमजोरी तो निश्चित तौर पर होती है। और नीतीश कुमार का उम्र भी आप देखिए, उम्र भी तो अच्छा है, वो हमारे जैसे आपके जैसे तो है नहीं, तो उम्र जब बढ़ गया हो ऐसे में उस नज़र से हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और वो नीतीश कुमार अभी देखिए, कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री आए थे तो नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मुलाकात हुई थी, वो गए थे मिले थे, सारी बातचीत हुई थी। अब तो ऐसा अच्छा, अमित शाह इससे पहले आए थे मैंने आरा में जब भोजपुर में जब हुआ था वीर कुंवर सिंह की जयंती, उस समय भी आए थे तो वो अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई थी। तो हर चीज़ को उस नज़र से, और इस सब को कोई इन सब के लिए कोई 6 महीना भी नहीं हुआ, 4 महीना भी, ये 2 महीने 1 महीने के अंदर की बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देखने पर तो सब कुछ आपको रंगीन नज़र आएगा, लेकिन वह ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ वेल एंड गुड है अभी एनडीए के अंदर में। और नीतीश कुमार भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, क्यों चाहेंगे, सब कुछ जब स्मूथ रनिंग है सब कुछ। जबकि अमित शाह ने खुद कहा कि 2024 और 2025 में जो है सो माने नीतीश कुमार ही हम लोगों के चेहरा हैं, तो ऐसे में सवाल कहाँ बनता है कि जो है सो दूरी बन जाए, तलखी हो जाए, बार बार इसको कहा गया। तो इसलिए इसको मुद्दा नहीं बना करके हम लोग इसी पर बात करें कि यह जो है सो एनडीए में कहीं कुछ दिक्कत नहीं। और हाँ, अब रही बात कि भारतीय जनता पार्टी के जो 4 नेता बड़े आज दिल्ली गए हैं, यही देखिए ये तो कोई इंसिडेंट है, इसको हम कहेंगे कि आज सब कुछ ऐसा हो रहा है कि इसको हम लोग समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चीज़ है। जब इन लोगों का पहले से भी शेड्यूल रहा है किन लोगों को जाना है, नित्यानंद राय को, शाहनवाज हुसैन को, नितिन नवीन, तो इसको लोग लेकर के इस तरह का लोग कह रहा है कि नहीं, अटकलबाजी हो रही है राजनीतिक गलियारों में कि ये बहुत बड़ा कोई मुद्दा है वो डैमेज कंट्रोल करने की, तो ऐसे कोई बात नहीं समझ में आ रही है। ये जेडीयू के लिए जो है आरसीपी सिंह जो है कितने मतलब खतरनाक हो सकते हैं, या कहा जा सकता है कि वो तो सारे संगठन में, तो क्या आने वाला जो दिन होगा भविष्य में, क्या आरसीपी सिंह जो है वो जेडीयू को जो है कितना डैमेज कर पाएंगे? देखिए निश्चित तौर पर आरसीपी सिंह, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे, महासचिव रहे, तो वो ऐसे में वो सब नब्ज जानते हैं। और कोई 1-2 साल से नहीं है, 10-13 साल तक जो आदमी साथ में रहा हो, नीतीश कुमार की कार्यशैली को जानता हो, नीतीश कुमार को जानता हो, पार्टी को जानता हो, और नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा जो है वहीं के रहने वाले वही हैं, वह भी हैं, और नीतीश कुमार के स्वजातीय भी हैं। और वह ऐसे में जो आदमी संगठन के हर चीज़ को बारीकी से समझता हो, बूथ स्तर तक, जिला अपने कार्यकाल में उन्होंने जिला अध्यक्ष बनाया, बूथ प्रखंड अध्यक्ष बनाया, बूथ तक जो है सो उनकी पहुंच बनाई कार्यकर्ताओं की, तो वह संगठन को तो बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। और हम नहीं समझते हैं कि नीतीश वो आरसीपी सिंह जब चाहेंगे तो संगठन को निश्चित तौर पर वो अंदर तक वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, निश्चित तौर पर। इसमें कहीं को देखिए, कहना नहीं कहना वो अलग बात है वो क्या, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है निश्चित तौर पर ये जो है सो डैमेज कर सकते हैं आरसीपी सिंह जेडीयू को, अगर वो चाह लेंगे तो। क्या लग रहा है कि आने वाला जो है 2020 और जो 19 और 20 जो है वो क्या एनडीए साथ में नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ ही रह के दोनों चुनाव लड़ेंगे? देखिए 2024 और 2025 की आप बात कर रहे हैं ना, 2024 में लोकसभा है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है, यही है ना। तो इसमें 2024 में हम नहीं कह रहे हैं, ये अमित शाह ने कहा है, जेपी नड्डा ने कहा है कि नीतीश कुमार ही हम एनडीए का चेहरा हैं, चेहरा रहेंगे 2024 और 2025 तक। तो फिर इसमें इफ बट की बात कहाँ है, जबकि एनडीए के बड़े घटक दल, बड़े घटक माने जो जिस भारतीय जनता पार्टी जो जो बड़ा घटक है एनडीए में, तो वह जब स्वीकार कर रही है, वह जब कह रही है कि नहीं 2024-2025 नीतीश कुमार ही हमारा बिहार में चेहरा होंगे, तो इसमें कहाँ दिक्कत है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि वही रहेंगे और उनके नेतृत्व में चुनाव होगा बिहार में। तो अब कहाँ शक सुबह है, इसमें थोड़ा सा भी 0.1 भी शक सुबह है क्या? तो जो हालात चल रहे हैं वो लग रहा है कि इतने भी राजनीति जो हलचल है बिहार में, उसके बाद भी सरकार जो है वो एनडीए की ही बनी रहेगी निश्चित तौर पर, हमको तो यही लगता है। लेकिन हाँ, अब उसमें हम यही बात कहेंगे, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, अब अगले 48 घंटे में क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी तक देखिए मंत्रियों का बयान आ गया, जेडीयू के मंत्रियों का बयान आ गया कि वो लोग कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है,
ये कहाँ से चल रहा है ये सब, सब लोग आश्चर्यचकित है। तो यह सब तो चलते रहता है, उसमें इसको ज़्यादा इसको लेने की जरूरत नहीं है हमारी समझ से। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी का कहना था कि बिहार में राजनीतिक हालात जो है काफ़ी तेज़ हो गए हैं। सब विपक्षी दल खास करके जो है जेडीयू ने भी जो है विधायक दल की बैठक बुलाई है, कांग्रेस ने भी बुलाई है, लेकिन ये सब जो है के बावजूद भी जो है बिहार में जो है एनडीए की सरकार जो है वो बनी रहेगी। पटना से कैमरा राजेश के साथ शक्ति न्यूज़ 24 को।